आखिर किस वजह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं टीना दत्ता और शालीन भनोट, और क्यों जनता लिख रही है कि टीना और शालीन भनोट दोनों ही फेक नजर आ रहे हैं, या फिर जनता जो है उनके मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या ये दोनों सच में फेक हैं या फिर शो के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, चाहे हग करना हो, चाहे इतने क्लोज आकर डांस करना हो, अपने प्यार का कन्फेशन करना हो, और MC स्टैन वाले कॉन्सर्ट वाले दिन जिस तरीके से टीना ने अपना प्यार कन्फेस करा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रही है कि क्या ये लोग कैमरा के लिए कर रहे हैं या फिर किसी डेली सोप को मतलब पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें रियल हैं, आखिर क्या है इस बारे में पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आइए देते हैं इस बारे में आपको पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू। शालीन भनोट और टीना दत्ता, जो कि डे वन से जिनको बिग बॉस के घर में जिनके रिलेशन को फेक बोला जा रहा है, ऐसा कोई भी बिग बॉस के घर में नहीं है जो इन दोनों को बोल रहा होगा कि आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहे हैं, पसंद किया जा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट जो है बिग बॉस के घर में वो बोल रहा है कि फेक है। अगर आपने स्टैन के कॉन्सर्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो जिस तरीके से वो सारी शालीन और टीना का डांस हुआ, और उसमें जो है टीना ने कन्फेस किया शालीन को, शालीन से प्यार को लेकर, और अगले एपिसोड में जब बिग बॉस ने सबको कन्फेशन रूम में बुलाना शुरू किया रिगार्डिंग टीना और शालीन के इस गेस्चर को देखकर, क्योंकि उस दिन कॉन्सर्ट में बाहर से जनता भी आई थी और जनता ने भी ये सारी चीज़ें नोटिस करी और देखी हैं, तो अब जिस तरीके से रिएक्ट किया घर वालों ने, घर वाले जो है घर के सभी सदस्यों ने ऑलमोस्ट एक ही चीज़ बोली कि काफ़ी ज़्यादा फेक लग रहा है और फेक ही लग रहा है, और इसी को लेकर एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पर जनता अपनी अपनी रिप्लाई करी है। ये ट्वीट है, पहले आप देख लो फिर मैं आपको पढ़ देता हूँ। और इस ट्वीट में लिखा है कि लेट्स फेक दिस फॉर वंस एंड ऑल, डू यू थिंक शालीन भनोट एंड टीना दत्ता आर फेकिंग इनसाइड द हाउस टू सर्वाइव इन द शो। जिस पर किसने रिप्लाई किया कि शालीन भनोट को ज़रूरत नहीं है टीना दत्ता के साथ फेक बॉन्ड बनाने की, उसको पता ही नहीं है कि वो इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसको कोई कन्फेशन रूम में बुला के गाइडलाइंस नहीं देता लाइक प्रियंका एंड टीना। बट येस, टीना दत्ता नीड्स फेक बॉन्ड टू सर्वाइव इन बिग बॉस, इवन प्रियंका ऑल्सो सेड इट, शाह नीड्स रियलिटी चेक। फिर कोई लिख रहा है कि फेक होते तो ऑन ऑफ नहीं करते, शिव की जैसा मराठी बिग बॉस जैसा करते, दे आर नॉट फेकिंग फॉर श्योर। शालीन भनोट इमोशन सीन आफ्टर रीडिंग हिज फादर्स लेटर, ही होल्ड टीना का चेंज बिहेवियर के बाद ही नीड्स लेटर। फिर कोई लिख रहा है इतने दिन कोई फेक नहीं कर सकता, खिचड़ी की बोलने से, कुछ भी बोलने से पहले किसी की पर्सनैलिटी नहीं बदलती। फिर कोई लिख रहा है नो वन कैन फेक इट फॉर सो लॉन्ग, दे आर फॉर श्योर रियल एंड जेन्युइन। फिर कोई लिख रहा है कि शालीन की तरफ से तो रियल है लेकिन टीना का हमको नहीं पता। फिर कोई लिख रहा है अगर 3 महीने के बाद कोई कह रहा है कि ये रियल है तो सीरियसली वो बेवकूफ़ है, एवरीथिंग फेक, ब्रांड टीना एंड शालीन बोथ आर फेक। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरह के बिग बॉस के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।